हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं यूज़ करूँगी सारे गोल्डन रोज़ के प्रोडक्ट्स। जो अच्छे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, जो अच्छे नहीं हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, और ये लुक मैं अचीव करूँगी वो सारे प्रोडक्ट यूज़ करके। लेट मी टेल यू वन थिंग, गोल्डन रोज़ वाले जो हैं बहुत कंजूस हैं बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं गोल्डन रोज़ के मैंने खुद ख़रीदे हैं हक हलाल के पैसों से, एंड कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा महंगे हैं। सो मैं उन सब के बारे में बात करूँगी इस वीडियो में, एंड तो बातें ज़्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, आपने करना है लाइक सब्सक्राइब, चलें शेयर ना करें आपकी मर्जी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ गोल्डन रोज़ का मेकअप प्राइमर ल्यूमिनस फिनिश शेयर इल्यूमिनेटिंग बेस। एक्चुअली ये है ल्यूमिनस प्राइमर, यानी आपकी जो बेस इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे ये आपको बहुत ही ड्यूई सा फिनिश देगी, मैट फिनिश बिल्कुल भी नहीं देगी। इनके एक दूसरा प्राइमर है जो कि आपको बिल्कुल मैट फिनिश देगा, यानी वो ऑयली स्किन के लिए है और ये ड्राई स्किन के लिए। सो मैं इसे अप्लाई करूँगी और आपको 30 ml मिलेगा इस पैकेजिंग में। पैकेजिंग इसकी बहुत प्यारी है, प्लास्टिक पैकेजिंग है इसकी, और अंदर से ये बिल्कुल इस तरह से वाइट कलर में है। मैं 2 pumps लूंगी और इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करूंगी जहाँ पे मुझे है पोर्स। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक है एंड आई लव थिक, यानी वो स्टिकी से प्राइमर, क्योंकि वो जो है फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। एंड आई लिटरली लव 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 दिस प्राइमर, क्योंकि आप इसे फाउंडेशन के बगैर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही मज़े का लगता है। मैंने 1-2 pumps और ले लिए हैं क्योंकि बहुत ही मज़े की लगती है आपकी फाउंडेशन इसके साथ। अगर आपकी स्किन है ड्राई, अगर आपकी स्किन है ऑयली, सो डोंट ट्राई इट बिकॉज गर्मियां हो गई हैं और पहले ही आपकी स्किन जो है बहुत ही ऑयली होती है, और ऊपर से फिर ऑयली प्राइमर भी यूज़ कर लो। ऑयली तो नहीं है ऑब्वियसली, ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है ये भी, बट ये आपको वो ड्यूई सा फिनिश देती है जो कि ऑयली स्किन मेरे ख्याल से पसंद नहीं करती, क्योंकि स्किन पहले से ही बहुत ऑयली होती है। इसमें कोई SPF नहीं है, सो मेक श्योर कि आप इसके नीचे जो है सन ब्लॉक अप्लाई करो, उसके ऊपर ये अप्लाई करना। तो फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। ये है गोल्डन रोज़ की फाउंडेशन, ये क्लेम करते हैं लॉन्ग लास्टिंग, हाई कवरेज, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड पैराबिन फ्री। सो लेट्स सी रिजल्ट क्या है, क्योंकि दावे हैं बहुत ज़्यादा। इसका शेड जो है वो है 02। तो इस टेक फाउंडेशन को मैं पूरे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी और डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड करूंगी। मैं ऑलरेडी इसका रिव्यू कर चुकी हूं, मैं यहां लेफ़्ट साइड के आई बटन पे वो रिव्यू डाल दूंगी, आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। बाय द वे आई जस्ट लव 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 दिस फाउंडेशन, सीरियसली बहुत ही मज़े की फाउंडेशन है ये। स्मूदली ब्लेंड हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, और इसमें है 9 shades। इसकी प्राइस है 1220 rupees, लेकिन मेरा कोड यूज़ करने पर आपको मिलेगा 15% ऑफ। कंसीलर मेरे पास है नहीं तो मैं अपने फाउंडेशन को सेट करूंगी गोल्डन रोज़ के कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ, और ये है शेड नंबर 55, और मैं ब्रश यूज़ करूंगी पाउडर ब्रश बाय ब्यूटीफाई बाय आमना। आप मेरा कोड यूज़ करोगे एंड यू विल गेट फ्री ब्यूटी ब्लेंडर ये वाला, एंड अ फ्री छोटे वाला पोरफेट प्राइमर, एंड साथ ही साथ यू विल गेट दिस ब्रश फॉर फ्री। फेस पाउडर को मैं पहले ब्रश की मदद से अप्लाई करूंगी, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से डैबिंग मोशन में थोड़ा डैब करूंगी ताकि स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और पाउडरी लुक जो है वो ना फील हो किसी को। एक्चुअली ये पाउडर बहुत मज़े का है, बहुत ही ओवर और पाउडरी फीलिंग नहीं देता। तो कंटोरिंग के लिए मैं यूज़ करूंगी गोल्डन रोज़ का कंटोर पाउडर किट, जिसमें है कंटोरिंग शेड, ब्रॉन्जर और हाइलाइटिंग शेड, और ये है सिर्फ एक ही पैलेट, एंड दिस इज नो पैराबेन्स एडेड एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। तो ये है सिंपल सी, स्लीक सी और प्यारी सी है इसकी पैकेजिंग। अंदर से मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से दिखता है, एंड अंदर से है कुछ दिखता इस तरह से, जो इसके ऊपर प्लास्टिक था वो गिर गया नीचे, एंड दिस वन इज कंटोरिंग शेड, ब्रॉन्जर एंड हाईलाइट।
तो मैं कंटूरिंग शेड इस्तेमाल करूंगी एंड मैं ये आप देख सकते हो है ब्यूटीफाई बाय आमना का और मैं ये यूज करूंगी। तो आप देख सकते हो कि इस ब्रश की मदद से बहुत ही मज़े से एक शार्प लाइन बन जाती है। तो मैं अपने फेस को यानी जॉ लाइन को भी कंटूर करूंगी, फॉरहेड, नोज़, सारे तमाम एरियाज़ को, और फिर ब्रॉन्ज़र की मदद से मैं इसको ब्लेंड करूंगी बहुत अच्छे तरीके से। बात करें इस पैलेट की तो इसमें है 3 शेड्स, ब्रॉन्जर, कंटूरिंग और हाईलाइट, और बहुत ही मज़े का ये वार्म टोन पैलेट है जो कि गंदमी कलर लड़कियों के साथ बहुत सूट करेगा। मेरा कलर फेयर है तो मैं कूल टोन ब्रॉन्जर्स और कंटूरिंग शेड्स यूज़ करती हूँ। आपको फील हुआ होगा कि ये मेरे फेस पे जो है बहुत ही ऑरेंजिश सा लुक दे रहा है, वो इसीलिए कि ये थोड़े से वार्म टोन कलर्स हैं। आई प्रेफर कूल टोन कलर्स, बट दे ब्लेंड ब्यूटिफुली, बहुत ही मज़े से ब्लेंड हो जाते हैं। यू कैन सी द ग्लो, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइमर एंड आई लव 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 द प्राइमर। फिर उसके बाद मैं यूज़ करूँगी गोल्डन रोज सिल्की टच ब्लश ऑन इन 207। ये बहुत ही प्यारा पीची कोरल सा कलर है जो कि आई थिंक मेरे ब्लश और मेरा कंटूर शेड में जो है कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा अप्लाई करते हुए, बट जब मैं इसे कंटूरिंग शेड के बग़ैर यूज़ करती हूँ तो ये बहुत ही प्यारा लगता है और समर्स के लिए तो बहुत ही परफेक्ट परफेक्ट ब्लश है एंड आई लव्ड इट। फिर मैं आईब्रोज़ के लिए यूज़ करूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना का ये ब्रश एंड आई लव्ड इट। और अपने आईब्रो के लिए भी मैं कंटूरिंग पैलेट का ही यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने आईब्रो पेंसिल मंगवाई थी जो कि गोल्डन रोज़ वाले भूल गए हैं भेजना, सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट क्योंकि मेरा ऑर्डर आया था इनकम्प्लीट, बट इसने भी बहुत अच्छा काम किया ये कंटूरिंग पैलेट ने। मेरी आईब्रोज़ जो हैं वो अच्छे से फिल हो गई हैं क्योंकि मेरी आईब्रोज़ हैं बुशी तो आई डोंट नीड दैट मच। फिर मैं ये ग्रीन लाइन का यानी इसका पैलेट का नाम है ग्रीन लाइन, और इससे मैं ये वाइट कलर का कलर जो है इससे अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी और फिर कंटूरिंग शेड में से कंटूर कलर लेके मैं अपनी क्रीज को जो है डिफाइन करूँगी। एज अ ट्रांजिशन शेड मैं इसको यूज़ करूँगी क्रीज में, मैं नीचे लोअर लैश पे भी इसे अप्लाई करूँगी, फिर मैं ये डार्कर शेड लेके अपने आउटर वी पे इसे अप्लाई करूँगी और इसे इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि जो ब्राउन शेड है और ये ग्रीन शेड आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए, हार्श लाइन ना हो। फिर ये डार्कर शेड मैं लेके इसे आउटर वी और इनर कॉर्नर यानी इनर वी शेप इसे कैसे डिफाइन करते हैं आई डोंट नो उस पर लगाऊँगी और ब्लेंड करूँगी। उसके बाद ये लाइट पैरेट कलर जो है इससे मैं अपने मिड आईलेट पे अप्लाई करूँगी अच्छे से एंड यू कैन सी हाउ पिगमेंटेड दीज कलर्स आर, बट दे आर रियली एक्सपेंसिव। इस शेड को मैं अप्लाई करूँगी उसके ऊपर ही तो आप देख सकते हो बहुत ही पिगमेंटेड हो गया है। नेक्स्ट मैं लोअर लैश लाइन पे ये शेड अप्लाई करूँगी, आप इसे किसी भी सिंपल पार्टी मेकअप में भी आइए मेकअप करके जा सकते हो। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ करूँगी गोल्डन रोज़ का स्टाइल लाइनर मेटालिक इन शेड नंबर 15 एंड यू गाइस नो दैट आई लव दिस आईलाइनर, मेटालिक आईलाइनर। मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी गोल्डन रोज़ का परफेक्ट लैशेज डीप ब्लैक वॉल्यूम मस्कारा जो कि बहुत ही मज़े का है, सिंपल एज दैट कि लैशेज़ को इतना वॉल्यूम नहीं देता लेकिन लैशेस को वो क्लम्पी लुक नहीं देता, बहुत ही फ्रेशली और अलग अलग कर देता है। लैशेस के लिए मैं यूज़ करूँगी आई लव आरिया लैशेस। इसका स्टाइल जो है वो मेंशन नहीं है बट बहुत ही नेचुरल लुकिंग लैशेस हैं, डेली वेयर में भी आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो। मैं ये दूसरी आंख का मेकअप करती हूँ ऑफ कैमरा एंड हेयर आई एम। फिर उसके बाद मैं करूँगी लिपस्टिक अप्लाई करूँगी और ये लिप कलर है यानी बिल्कुल ही शेयर लिपस्टिक है यानी शेयर रेंज में से है ये इनकी लिपस्टिक। इनका शेड जो है आई थिंक ये है शेड नंबर 2 और आई डोंट नो बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूँगी। फिर मैं मेकअप सेट करूँगी इनकी सेटिंग स्प्रे से, ये बहुत ही मज़े का एक डूई सा फिनिश देती है आपके फेस पे, मैट फिनिश नहीं देती ये स्प्रे बट मेकअप को डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। एंड यू कैन सी मेरा मेकअप कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं हाइलाइटर कोई भी यूज़ नहीं कर रही हूँ एंड या दिस इज़ माय मेकअप लुक।
इन सारे प्रोडक्ट्स की डेट, डिटेल्स, प्राइसेस मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग काइंडली चेक कर लीजिएगा। इफ़ यू डोंट नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, इसी वीडियो की टाइटल को क्लिक करें, ऐसे दबाएं एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो यूं करके खुद ही खुल जाएगा। सो हेयर आई एम। अगर आपको ये लुक पसंद आया हो सो मेक श्योर क्लिक द सब्सक्राइब बटन, वो लाल वाला बटन, और साथ ही साथ वो बेल भी क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले, आप मेरी वीडियोस कोई भी मिस ना करें। इफ़ यू लाइक मी, अगर लाइक नहीं करते हैं तो वो अलग बात है। सो या सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।